क्षेत्र के सिकोहोला गांव का शनिवार एक मामला संज्ञान में आया है, जहां बीते दो दिनों पहले घर से ननिहाल जाने के लिए भाई बहन दो दिनों से लापता हैं। वहीं परिजनों ने काफी खोजबीन के दौरान किसी अनहोनी की आशंका व्यक्त करते हुए इस मामले की लिखित जानकारी पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए लापता भाई बहन की तलाश में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार बताते चले कि तारावती सार थाना क्षेत्र के सिकोहोला गांव की रहने वाली तारावती ने बताया कि उनकी भतीजी रूबी व भतीजा मूलचंद उनकी मां के देहांत के दौरान उन्हीं के साथ रहते थे। बीती सोमवार सुबह रूबी व मूलचंद दोनों ही अपनी चाची तारावती से ननिहाल जाने की बात कहकर निकले थे। वहीं दो दिनों तक जब तारावती की बातचीत दोनों भाई बहन से नहीं हुई तो उन्होंने इस मामले की उनको पता चला कि दोनों भाई बहन अभी तक ननिहाल नहीं पहुंचे। इस दौरान परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं परिजनों ने दोनों भाई बहनों की खोजबीन करना शुरू कर दिया। परिजनों ने इस मामले की लिखित जानकारी पुलिस को दी, साथ ही किसी अनहोनी की आशंका भी दबे शब्दों में व्यक्त की। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए लापता भाई बहन की तलाश शुरू कर दी। सुबह 9-10 बजे निकली है कातिराम जाती हूँ, मामा कल काल आ जाएंगे, अब काल हो गया नहीं आई। तब कौन निकला था? रूबी मूलचंद। ये कौन है आपके? जेठ के लड़का बिटिया। अच्छा, जेठानी है नहीं? जेठ है तो ये पन्हार पतार में रहे हैं, हम ही दुआरे मिली हैं, हम ही मतलब हरारा बांध ही नहीं रहा। तो हमसे कह लग हम चाची जाती मामा खे अब कालिया जी भी, तो हम कहा भाई कालिया जी जब काल हो गया नहीं आए, तब सब वहाँ का भाई फोन घुमा शुरू की हन आई नहीं आई। जब हन नहीं है तो सब वहाँ अपने गांव का मतलब जहाँ जहाँ रिश्तेदारी में जात आवत रही तहाँ तहाँ सब वहाँ फोन घुमा के, कुछ आदमी का जैसे रिश्तेदार हैं तो नेरे हैं तब चढ़ाई के, कुछ जगह हम खुद जाके ऐसे सब वहाँ पता कर ली ना भाई नहीं है। तब हम सोचा कि लाओ भाई अब आगे का कार्रवाई। अच्छा, घर से कब निकले थे? सोमवार का दिन रहा है, जो दिन भर का दही अमावस रहा, 30 तारीख को। अच्छा, ये कितने समय घर से निकले थे? 10 बजे की था निकलेंगे, तब से अभी तक घर वापस लौट रहे हैं। अच्छा, इसे क्या पुलिस को सूचना किया था? आज की ने हम कहाँ पर तक साढ़ में साढ़ थाने में। अच्छा, इनकी उम्र क्या होगी लगभग? 23 साल है बिट्टी के, 21 साल 20 साल हो गए हैं बउआ के। अच्छा, अभी तक कोई जानकारी नहीं हुई बउआ की आँखी एक कुछ थोड़ा दबी है, आँखी एक बउआ की कुछ दबी है, नाक या कुछ पिच्चा है, मतलब माइंड डिस्टर्ब है ज़्यादा, मतलब दिमागदार नहीं। अब बिट्टी तो कुछ ठीक है, अब बिट्टी ही खलेवा गए। अच्छा, कहे से गए थे, किस साधन से गए थे? अरे उन कुछ साधन नहीं है, जाना बात तक पैदल, अरे एक से मिल जाए था। अच्छा, किस गाँव के हैं वो? सिकौला। कानपुर से वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट, जेके न्यूज़।